उल्टा पड़ा शालीन का दाम, टीना पर लटक गई है खतरे की तलवार। सौंदर्या को शो से बाहर निकालने के फिराक में थे शालीन भानोट। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 16 में शालीन भानोट का दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल शालीन भानोट ने नॉमिनेशन टास्क के दौरान स्ट्रेटेजी बनाकर गौतम और सौंदर्या को नॉमिनेट करवाया और खुद के साथ टीना का भी नाम नॉमिनेशन में शामिल करवाया। दरअसल शालीन भानोट ने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी कि गौतम और सौंदर्या के साथ अगर हम दोनों यानी शालीन और टीना भी नॉमिनेट होते हैं तो ऐसे में शालीन को यह लग रहा था कि शालीन टीना और गौतम को अच्छे खासे वोट मिल जाएंगे और सौंदर्या को वोट कम मिलेंगे और ऐसे में शो से सौंदर्या का पत्ता कट सकता है। शालीन भानोट ने स्ट्रेटेजी तो बहुत बढ़िया बनाई थी और वो स्ट्रेटेजी को सफल बनाने में भी कामयाब हुए। आखिरकार नॉमिनेशन टास्क में ये चार ही कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए जिन पर इस समय एविक्शन की तलवार लटकी हुई है, लेकिन वोटिंग ट्रेंड्स का इशारा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है और यहाँ शालीन भानोट मुंह के बल गिरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल उनकी स्ट्रेटेजी भले ही कामयाब हुई लेकिन उन्होंने जो सोचा था वो शायद गलत साबित हो रहा है, क्योंकि शालीन भानोट और टीना को कम वोट मिल रहे हैं जबकि सौंदर्या और गौतम को अधिक वोट मिलते नजर आ रहे हैं। वोटिंग ट्रेंड्स की अगर बात की जाए तो देसी फीड पर कराई गई वोटिंग में सौंदर्या को सुरक्षित करने के लिए 53% वोट मिल रहा है, गौतम को 19% वोट मिल रहा है, टीना को 15% वोट मिल रहा है और शालीन को 13% वोट मिल रहा है। यानी वोटिंग ट्रेंड्स में टीना और शालीन के मुकाबले गौतम और सौंदर्या बहुत आगे हैं। ऐसे में अगर एविक्शन की बात की जाए तो शालीन का दांव पूरी तरह से उल्टा पड़ता दिख रहा है। यहाँ टीना और शालीन पर खतरे की तलवार लटकी हुई है, यानी एविक्शन की तलवार इन पर लटकी हुई है, जबकि सौंदर्या और गौतम सुरक्षित नजर आ रहे हैं। सिर्फ देसी फीड ही नहीं, सोशल मीडिया पर अन्य प्लेटफॉर्म पर भी वोटिंग चल रही है और सभी वोटिंग में लगभग सौंदर्या और गौतम ही आगे चल रहे हैं, टीना और शालीन हर वोटिंग में पीछे नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार नतीजा क्या निकलता है। टीवी और बिग बॉस से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं।